विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, नमस्कार। आई स्ट्रक्चर के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है स्ट्रक्चर ऑफ द आई, और आज के हमारा जो विषय है इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो हम जो आई के जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आई जो है इसका अगर हम शेप देखें तो आई का जो हमारी जो आँख है उसका जो आकार है वो स्फेरिकल यानी कि गोल एक अंग है। ठीक है, और इसका अगर हम कद देखें, इसकी साइज़ अगर देखा जाए तो मेज़र 2.5 सेंटीमीटर, एक इंच जितना हमारी आँख का डायमीटर होता है। अच्छा, हमारी जो आँख जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो स्कल है हमारी जो खोपड़ी है उसमें जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ये आई जो है और ज़्यादातर जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑर्बिट में लोकेटेड है। फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऑर्बिट जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई बॉल तो है ही। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑर्बिट में ही लैक्रिमल ग्लैंड जो है, जो जिसको हम टीयर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो आंसू पैदा करती है। फिर इसके अलावा जो आई के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो जुड़े हैं आँखों के साथ में, एक्सटेंसिक आई मसल, फिर बहुत सारे जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, वो ऑर्बिट में आपको देखने के मिलेंगे। और फिर जो क्रेनियल नर्व जो हैं जो आई को इनर्वेट करती हैं वो आपको दिखेंगी ऑर्बिट में। ठीक है, और भी कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ऑर्बिट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, ये जो है ये आपको ऑर्बिट है और उसके अंदर आप पूरा जो आईबॉल है वो आपको दिखाया हुआ है। सारे जो नाम है एक बार ध्यान से आप रीड करिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और देखिए यहाँ पे जो लिखा है एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द आई एंड सराउंडिंग एसेसरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे नाम है वो आप पढ़िए। चलिए, देखिए ये जो है ये फिगर में आपको जो लैक्रिमल एपरेटस है, जो आंसू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, तो वो आपको दिखाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, कहाँ से आंसू बनते हैं और कहाँ जाते हैं उसका पूरा आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में। अच्छा, ये जो फिगर है इसमें आप देखिए ब्राइट लाइट और लो लाइट जो है, इसमें जो प्यूपिल है उसका क्या होता है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। ब्राइट लाइट में ज़्यादा अगर तेज़ रोशनी है तो उसमें आप देख सकते हैं प्यूपिल जो है उसका कंस्ट्रिक्शन हो गया है, और राइट में अगर देखें, अगर लो लाइट है, डीम लाइट है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आँखों की जो प्यूपिल है उसका डायलेशन होता है। और हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन में, और यहाँ पे आप देखिए प्यूपिलरी जो डायलेशन है उसमें आप देख सकते हैं जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इनर्वेट करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है डायलेशन के लिए प्यूपिल के। ये आईलिड है, आईलिड के बारे में आप देखिए। ठीक है,
आई के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ये आई के जितने भी मसल हैं, फिर नर्व हैं, उनके बारे में भी आपको आइडिया आ जाएगा। मसल के बारे में देखिए, एक्सटेंसिव आई मसल, ठीक है, आई बोल के आसपास जितने भी मसल हैं, अच्छा देखिए, ये आई को जो इनर्वेट कर रही हैं जो नर्व, उनके बारे में, नर्व्स ऑफ ऑर्बिट, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको आई बॉल भी दिख जाएगा, ठीक है। ये ब्लड वेसल जो है, आर्टरीज और वेन, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट एंड आईलिड्स, ब्लड सप्लाई जो करती हैं, कौन कौन सी आर्टरी वेन है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लिखा है, ये देखिए ये लिखा है ऑर्बिटल फैट, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाया है ये ऑर्बिटल फैट, ठीक है। ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये जो है, ये फैट जो है आपको दिख जाएगा, ऑर्बिटल फैट। तो ये ऑर्बिटल फैट क्या है और ये क्या काम करता है, तो जो मैंने आपको फिगर में दिखाया कि देखिए, ऑर्बिटल फैट जो है कुशन्स द पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द आई, हमारी जो आँख है उसका जो पीछे का भाग है और जो साइड वालों बाजू का जो पोर्शन है उसको ये सपोर्ट करती है, उसको एक कुशन जैसा काम करते हैं ये ऑर्बिटल फैट, ठीक है, सपोर्ट करते हैं हमारा आई बोल को ऑर्बिटल फैट। इसके अलावा हमारी आई का प्रोटेक्शन करते हैं, और इसके अलावा ये ऑर्बिटल फैट जो है वो फैसिलिटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी बाय द ब्लड थ्रू इट्स एसोसिएटेड ब्लड वेसल। तो ये जो ऑर्बिटल फैट जो है वो क्या करती हैं, उसमें से क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल है वो उसमें से इनर्वेट होके जो आई के जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो मिलता है। तो ये जो ब्लड वेसल हैं उनको भी ये फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है, तो वो ब्लड वेसल जो है उसमें से ही पास होके फिर आई के अलग अलग स्ट्रक्चर को ये ब्लड जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल फैट के बारे में, जो कुशन करती है हमारी आँखों को पीछे से और साइड से, और सपोर्ट और प्रोटेक्शन, और फिर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई है तो उसके लिए जो एसोसिएटेड ब्लड वेसल है वो भी इसमें से ही पास ऑन होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो आईबॉल जो है आप देखेंगे, इसमें हमारी जो आँख है उसके अंदर आप देखोगे कि
कंसिस्ट ऑफ टू फ्लूइड फील्ड कैविटी, हमारी आँख का, हमारी आँख की रचना में दो लिक्विड से भरी, फ्लूइड से भरी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो कैविटीज़ हैं, ये कैविटी, दोनों कैविटी जो है एक दूसरे से उनको अलग करता है वो होता है लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्टीरियर कैविटी कंटेन विट्रस ह्यूमर, ठीक है। पोस्टीरियर कैविटी जो है उसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, और दूसरी जो कैविटी है वो अंटीरियर कैविटी, अंटीरियर कैविटी जो है इसमें एक्वस ह्यूमर जो है वो भरा होता है। अंटीरियर कैविटी जो है इसमें दो चैम्बर होती है, अंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। सारे जो स्ट्रक्चर हैं, सारे जो नाम हैं, ध्यान से देखिए आप। चलिए, तो हमने बात करी कि दोनों दोनों ही आप देखेंगे, एंटीरियर कैविटी और ये, इसके बीच में क्या होता है, ये यहाँ पे एंटीरियर कैविटी और ये पोस्टीरियर कैविटी, उसके बीच में ये वाला जो है ये लेंस है, ठीक है। और लेंस आप देख रहे हैं कि वो कैसा है, बाय कॉन्वेक्स है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये दोनों साइड इसकी कॉन्वेक्स है, तो लेंस जो है वो बाय कॉन्वेक्स है। तो लेंस जो है, लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, एनक्लोज इन फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ये लेंस होता है। अच्छा, द पोस्टीरियर कैविटी लाइज बिहाइंड द लेंस, पोस्टीरियर कैविटी जो है लेंस के पीछे होती है, और उसके अंदर परमानेंट फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये परमानेंट फ्लूइड जो है इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और जो अंटीरियर कैविटी है विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जो लेंस के आगे है, कंटेन्स अ सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा बदलता रहता है ना, और वो सर्क्यूलेट करता है, वो घूमता रहता है ना। तो इस प्रकार का जो फ्लूइड है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अच्छा, द लेंस एंड बोथ फ्लूइड्स आर डिस्क्राइब इन डिटेल लेटर इन दिस सेक्शन। तो हम आगे इसी लेक्चर में फिर लेंस के बारे में भी बात कर लेंगे, और जो दोनों ही जो फ्लूइड हैं, ठीक है, कहाँ से पैदा होते हैं और कहाँ से ये कहाँ जाते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले पॉइंट्स में। तो ये जो है ये थर्ड नंबर का पॉइंट है, ठीक है। अब जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, अब देखिए, देखिए, द वॉल ऑफ द आई, हमारी आँख की जो दीवार है, ठीक है, इज़ फॉर्म बाय थ्री प्रिंसिपल लेयर, हमारी जो आई बॉल है उसमें तीन प्रमुख स्तर होते हैं जिनको ट्यूनिक्स कहते हैं। सबसे बाहर वाला जो स्तर है, लेयर है, इसको फाइब्रस ट्यूनिक कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया है फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। तो फाइब्रस ट्यूनिक में क्या है, तो फाइब्रस ट्यूनिक में स्क्लेरा और कॉर्निया जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद वास्कुलर ट्यूनिक, बीच वाला जो लेयर है उसको वास्कुलर ट्यूनिक कहते हैं। वास्कुलर ट्यूनिक जो है उसमें आयरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड जो है वो इन्वॉल्व है। एंड दी रेटिना, रेटिना जो है इनर लेयर, जो अंदरूनी जो लेयर है, ठीक है, अंदर वाला जो है लेयर, उसको रेटिना कहते हैं। पिगमेंटेड लेयर, न्यूरल लेयर, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि हमारी जो आँख है इनमें तीन लेयर हैं, तीन स्तर हैं, फाइब्रस ट्यूनिक, वास्कुलर ट्यूनिक और रेटिना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब जो फाइब्रस ट्यूनिक है उसकी बात करते हैं। तो फाइब्रस ट्यूनिक जो है हमारे आईबॉल, हमारा जो आई है, आईबॉल है, और आई का जो दीवार है, आई वॉल है, इसका सबसे बाहर का स्तर है। और इसको फाइब्रस ट्यूनिक या तो एक्सटर्नल ट्यूनिक जो है इसके नाम पे भी इस स्तर को जाना जाता है। अच्छा, फाइब्रस ट्यूनिक जो है ये किसका बना हुआ होता है? तो कंपोज ऑफ पोस्टीरियर स्क्लेरा, ठीक है, एंड दी अंटीरियर कॉर्निया। फाइब्रस ट्यूनिक जो है वो किसका बना हुआ है? तो ये पीछे की ओर आप देखेंगे तो पीछे की ओर ये फाइब्रस ट्यूनिक जो है वो स्क्लेरा से बना हुआ है, और आगे जो है वो कॉर्निया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आगे की ओर आप देखेंगे तो ये लिखा है कॉर्निया, ये रहा, ये है कॉर्निया, ठीक है। और पीछे की ओर आप देखेंगे तो स्क्लेरा जो है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है ये देखिए स्क्लेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये स्क्लेरा, ये वाइट वाला जो दिखाया है ये पार्ट पूरा, तो ये जो था हमारा फिफ्थ पॉइंट था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मोस्ट ऑफ दी फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है, यानी पोस्टीरियर 5/6, ठीक है। पीछे वाला जो सफ़ेद जो है हिस्सा, ठीक है, वो क्या है? जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा देखा हमने, पूरा जो कवर कर रहा है ना, वो क्या है? स्क्लेरा। देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ये पूरा जो है बाहर की ओर स्क्लेरा आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस तरह से ये पूरा जो है बाहर, ये पूरा आपको स्क्लेरा जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरा है, अ पार्ट ऑफ आउटर लेयर, बाहर वाला जो लेयर है, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉल दी वाइट ऑफ दी आई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वाइट ऑफ दी आई भी कहते हैं। अच्छा, ये जो स्क्लेरा जो है ये किसका बना है? तो इट इज़ कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरा जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कंटेनिंग न्यूमरस ब्लड वेसल एंड नर्व। और स्क्लेरा जो है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल और नर्व जो हैं वे भी पाई जाती हैं। स्क्लेरा जो है इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? तो प्रोवाइड्स फॉर आई शेप, हमारी जो आँखों का जो आकार है उसके लिए स्क्लेरा रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके अलावा स्क्लेरा क्या करता है? प्रोटेक्ट द आईज डेलिकेट इंटरनल कंपोनेंट, हमारी आंखों के जो अंदरूनी जो कंपोनेंट हैं इनको प्रोटेक्ट करता है स्क्लेरा, एंड सर्व एज अटैचमेंट साइट फॉर एक्सट्रिंसिक मसल। और आई के साथ में जो मसल जुड़ते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल, वो स्क्लेरा के थ्रू ही जुड़ते हैं। अच्छा, पोस्टीरियरली द स्क्लेरा इज कंटिन्यूस विद द डूरा मैटर, ठीक है। पीछे की ओर ये स्क्लेरा जो है ये किसके साथ जुड़ी होती है? तो वो डूरा मैटर जो है उसके साथ में जुड़ी होती है, दैट सराउंड द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ये डूरा मैटर जो है वो क्या करता है? स्क्लेरा इज कंटिन्यूस विद द ड्यूरा दैट सराउंड द ऑप्टिक नर्व। ड्यूरा मैटर जो है वो ऑप्टिक नर्व को फिर सराउंड करेगा, है ना। चलिए, तो पीछे की ओर जो स्क्लेरा जो है वो ड्यूरा मैटर के साथ में कंटिन्यूस है, और ये जो है वो ऑप्टिक नर्व को सराउंड करेगा ड्यूरा मैटर। तो यहाँ पे ये जो है सिक्स्थ पॉइंट है हमारा। चलिए, अब जो सेवन्थ पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं, सात नंबर का जो पॉइंट है वो। अब देखिए, अब हम जो कॉर्निया जो है ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये रहा कॉर्निया, ठीक है। ये जो है इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है कॉर्निया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कॉर्निया आपने देखा कि कॉर्निया कैसा है, कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है,
ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म्स अंटीरियर 1/6 ऑफ द फाइब्रस ट्यूनिक। ये आगे का जो 1/6 है फाइब्रस ट्यूनिक का, ये कॉर्निया बनाता है। अच्छा, इट्स कॉन्वेक्स शेप रिफ्रैक्ट्स बेंड्स लाइट रेज कमिंग इन टू द आई। ठीक है, आँखों के अंदर देखिए, ये जो बेंड लाइट जो है, ठीक है, तो लाइट जो आएगी तो उसका जो बेंडिंग करना है ना, वो बेंडिंग किसके थ्रू होगा, तो वो बेंडिंग जो होगा वो जो ये कॉर्निया जो है वो क्या करेगी, जो लाइट है उसका बेंडिंग जो है, लाइट रेज का उसका बेंडिंग करने का काम करती है ना, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉर्निया जो है क्योंकि कॉन्वेक्स शेप है तो लाइट रेज का रिफ्रैक्शन कर देती है जो आँखों में आते हैं। अच्छा, कॉर्निया जो है, कॉर्निया किसका बना हुआ है, तो कॉर्निया इज कंपोज ऑफ एन इनर, अंदर की ओर क्या होता है कॉर्निया में, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, बीच में क्या होते हैं कॉलेजन फाइबर होते हैं, और बाहर क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, जिसको कॉर्नियल एपिथेलियम भी कहते हैं। अच्छा, द कॉर्निया कंटेंस नो ब्लड वेसल, कॉर्निया जो है इसमें ब्लड वेसल जो हैं वो नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए, अब कॉर्निया जो है, ये वाला जो कॉर्निया, और यहाँ पे स्क्लेरा है ये, ठीक है, तो कॉर्निया मर्ज विद स्क्लेरा, कॉर्निया जो है वो क्या, स्क्लेरा के साथ में जुड़ता है एट इट्स आउटर एज, जो बाहर की जो किनारी है, ये वाला जो पोर्शन अगर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया कॉर्निया, और ये जो है ये स्क्लेरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, कॉर्निया और स्क्लेरा जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, है ना, आगे की जो धार है वहाँ पे, उसको लिम्बस कहते हैं। ठीक है, लिम्बस, या तो क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या है, ये पॉइंट जो है, ये आप देख रहे हैं, ये लिम्बस है, या तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन। चलिए, अब जो 9 नंबर का पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये बीच वाला जो लेयर है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पर्पल कलर में जो दिखाया है पूरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसकी बात में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, वास्कुलर मिडल लेयर, ठीक है, द मिडल लेयर ऑफ द आई वॉल इज द वास्कुलर ट्यूनिक। बीच वाला जो है इसको क्या कहते हैं, बीच वाले को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो है इसको हम बीच वाले को वास्कुलर ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है, या तो उसका दूसरा नाम क्या है, या तो फिर उसका दूसरा नाम है यूविया। ठीक है, बीच वाला जो आई वॉल का बीच वाला जो लेयर है, मिडल लेयर है, इसको हम कहते हैं वास्कुलर ट्यूनिक, या तो यूविया भी इसको कहते हैं। अच्छा, वास्कुलर ट्यूनिक हाउसेज एन एक्सटेंसिव अरे ऑफ ब्लड वेसल। वास्कुलर ट्यूनिक जो है इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, लिम्फ वेसल होती है, एंड द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई, हमारी जो आँख है उसके जो इंट्रिंसिक मसल हैं वो भी वास्कुलर ट्यूनिक में होते हैं। ठीक है, वास्कुलर ट्यूनिक ये इट इज़ कंपोज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 अलग अलग विस्तारों से ये बनता है वास्कुलर ट्यूनिक। फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर दे आर
कोरोइड, पीछे से अगर आगे देखे तो कोरोइड है, सीलियरी बॉडी है एंड दी आयरिस, ठीक है, वास्कुलर मिडल लेयर जो है कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड दी आयरिस इसका बना हुआ है। तो मैं आपको वास्कुलर मिडल लेयर बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये पर्पल कलर में आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपको दिखाया इन्होंने कोरोइड, ठीक है, ये वाला जो है ये पूरा कोरोइड है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये हो गया, ये पूरा जो है देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेरी बॉडी एंड सिलेरी मसल, ठीक है, और तीसरा जो है वो आयरिस। तो ये जो है ये आयरिस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो है ये आयरिस, यहाँ पे नाम लिखा है आयरिस, ठीक है। तो ये जो तीनों जो हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कोरोइड, सिलेरी बॉडी और आयरिस, ये तीनों मिलके वास्कुलर मिडल लेयर बनाते हैं। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आई बॉल ट्रांसवर्स सेक्शन, सारे जो नाम है ध्यान से देखिए आप, चलिए अभी दूसरे जो फिगर है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो फिगर है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स ऑफ आई बॉल, इसमें आप देखेंगे, चलिए ये चैम्बर तो आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे नाम लिखा है एंटीरियर चैम्बर और यहाँ पे आप देखेंगे पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। अच्छा जो सीलियरी बॉडी जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए नाम लिखा हुआ है सीलियरी बॉडी। तो इतना जो पोर्शन है ये हो गया सीलियरी बॉडी। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे आयरिस जो है ये देखिए, ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये आयरिस होगी पूरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फोल्ड्स ऑफ आयरिस। अच्छा देखिए लेंस एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे आप आई बॉल सेक्शन इन कॉर्नल प्लेन एंटीरियर सेगमेंट व्यू फ्रॉम बिहाइंड, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो इसमें भी आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा है सिलेरी बॉडी आपको देखने मिलेगी और ये जो है ये आयरिस, ठीक है। चलिए इस तरह से अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सारे नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं, देखिए आप ये होगी रेटिना नाम लिखा है, ठीक है, फिर सबसे बाहर ये वाला जो है ये हो गया स्क्लेरा, ठीक है, और स्क्लेरा और रेटिना के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए नाम लिखा है कोरोइड, ठीक है, उसी कोरोइड को यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो ये देखिए ये जो है ये कोरोइड, ठीक है, और फिर कोरोइड के जो अंदर की ओर आप देखेंगे तो ये जो है ये रेटिना, पूरा फिगर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो रेटिना भी आप समझ पाएंगे। तो देखिए अभी जो बात कर रहे हैं कोरोइड के बारे में, तो कोरोइड जो है क्या है, ये वाला जो पोर्शन है देखिए नाम लिखा है इतना जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये पूरा जो है ये पार्ट जो दिखाया है, तो कोरोइड जो है कोरोइड हाईली वास्कुलर लेयर, ठीक
ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल ये देख ही रहे हैं आप, ये रेड और ब्लू कलर में है ना, आर्टरी वेन जो है क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी दिख ही रही हैं हमको। तो बहुत सारी इसमें ब्लड वेसल होती हैं, और ये ब्लड वेसल क्या करती हैं, सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी रेटिना एंड स्क्लेरा, क्योंकि कोरोइड जो है, कोरोइड किसके बीच में है, तो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में है। तो स्क्लेरा और रेटिना के जो सेल हैं, ठीक है, इनको ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई करना, वो कौन करेगा, तो कोरोइड के अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो ये काम करेंगी, है ना। तो ये कोरोइड है, और पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे अभी रेटाइना जो है वो भी आप देखिए, ये देखिए ये रेटाइना जो है, इसमें कौन कौन से प्रकार के जो सेल हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी का जो स्लाइड है वो भी आप देखिए, तो आपको रेटिना में कौन कौन से प्रकार के सेल हैं उनका भी आपको आइडिया जो है अभी आ जाएगा। इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट का जो इनकमिंग लाइट का डायरेक्शन है, और जो नर्व सिग्नल है, नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो भी आपको डायरेक्शन बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलियरी बॉडी जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए नाम लिखा है यहाँ पे सिलियरी बॉडी, ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ पे नाम लिखा है सिलियरी बॉडी। तो ये सिलियरी बॉडी जो है ये क्या है, तो देखिए सिलियरी बॉडी जो है, सिलियरी बॉडी इज़ अ थिकन एक्सटेंशन ऑफ कोरोइड। कोरोइड जो है इसका थोड़ा मोटा सा एक्सटेंशन है, और ये क्या करता है सिलियरी बॉडी, तो सिलियरी बॉडी जो है फॉर्म्स अ कॉलर अराउंड दी लेंस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है, ये देखिए आप यहाँ पे ये जो है ये लेंस है, और ये सिलियरी बॉडी जो है, ये आप देखेंगे तो ये सिलियरी बॉडी जो है एक इतना, ये कॉलर जितना जो पोर्शन है वो बना रही है, ठीक है, लेंस के आसपास। फिर सिलियरी बॉडी और क्या करती है, ऑल्सो सिक्रेट्स अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। सिलियरी बॉडी जो है इसमें से जो फ्लूइड सिक्रेट होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिलियरी बॉडी, ठीक है, तो सिलियरी बॉडी लेंस के आसपास क्या कर रही है, एक कॉलर बना रही है ऐसा, और ये सिलियरी बॉडी क्या करती है, फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, तो इस फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब देखिए जो आयरिस है, ये वाली जो है यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये आयरिस दिखाया है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा जो फिगर है इसमें भी मैं आपको आयरिस दिखा देता हूँ, ये देखिए है ना, यहाँ पे आपको ये, और इस साइड से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पूरा आयरिस। तो आयरिस जो है, आयरिस क्या होती है, आयरिस इज अ रिंग ऑफ कलर्ड मसल, मसल की एक रिंग है, ठीक है, और ये आयरिस क्या करती है, इट वर्क्स टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल जो है उसको बड़ी छोटी करना, ठीक है ना, वो काम कौन करती है, आयरिस करती है। और प्यूपिल क्या है, तो द सेंट्रल ओपनिंग ऑफ द आयरिस, आयरिस के बीच में जो ओपनिंग है इसको प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्यूपिल जो है वो बड़ी छोटी होके क्या होता है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो इससे क्या होता है, आँख में कितनी रोशनी जो है जाएगी,
ज़्यादा रोशनी जाएगी या कम रोशनी जाएगी, इसका कंट्रोलिंग जो है ना, आयरिस, आयरिस क्या करती है, प्यूपिल को बड़ी छोटी करती है, तो उस हिसाब से ही लाइट जो है ज़्यादा कम जो है वो आँख के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आयरिस तो चलो देख लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं न्यूरल इनर लेयर, जो अंदर का जो लेयर है, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए, द रेटिना इज़ अ थिन लेयर, है ना, न्यूरल न्यूरल इनर लेयर में हम बात कर रहे हैं। रेटिना, रेटिना क्या है, इज़ अ थिन लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना जो है वो किसकी बनी है, रेटिना में क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ रेटिना, आप देखिए कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिना, ठीक है, ये वाला जो है ये रेटिना, पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब 14 नंबर का जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है, इसमें आपको देखिए ये पूरा जो आई है उसमें सबसे अंदर जो येलो कलर में रेटिना, और रेटिना जो है इसी को हम जब एनलार्ज करते हैं, उसको जूम करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम देखते हैं तो रेटिना जो है इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से प्रकार के सेल हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे जो हैं, पूरा अरेंजमेंट आप समझिए कि देखिए यहाँ पे सबसे अंदर आप देखेंगे पिगमेंटेड लेयर, ये वाला जो है पिगमेंटेड लेयर बताया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए रॉड सेल लिखा है और कॉर्न सेल, तो ये रॉड और कॉर्न, ये जो इस प्रकार के जो सेल हैं, ठीक है, रिसेप्टर सेल, ये क्या बना रहे हैं, तो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर बना रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, ये साइनेप्टिक लेयर आप देख रहे हैं, बाहर आप देखेंगे साइनेप्टिक लेयर। अच्छा, फिर तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे बायपोलर सेल लेयर, तो बायपोलर में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल सेल देखेंगे, बायपोलर सेल देखेंगे और एमेक्राइन सेल देखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेटिना में ये है इनर सिनेप्टिक लेयर। अच्छा, और फिर आखिर में गैंग्लियन सेल, ये वाले जो हैं गैंग्लियन सेल और गैंग्लियन सेल लेयर। ये गैंग्लियन सेल जो हैं, गैंग्लियन सेल के जब एक्सोन जो हैं, तो देखिए वो एक्सोन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑप्टिक नर्व जो हैं वो बना रहे हैं, है ना, ऑप्टिक नर्व टू, क्रेनियल नर्व टू जो है वो बन रही है। फिर यहाँ पे आप ब्लड वेसल देखेंगे रेटिना की। अच्छा, फिर ये ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या कर रही है, तो देखिए नर्व इम्पल्स जो है, ठीक है, जो हम देखते हैं उसके रिलेटेड जो नर्व इम्पल्स प्रोपोगेट अलोंग ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में से नर्व इम्पल्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे टूवर्ड द ऑप्टिक डिस्क, है ना, किस किस ओर पे जाएंगे, तो जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है उस तरफ ये जाते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं रेटिना जो है, देखिए रेटिना, तो रेटिना लाइनिंग द पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द आई, ठीक है ना, आँख का जो पीछे का 2/3 जो हिस्सा है वो रेटिना है कवर करती है। अच्छा, रेटिना जो है, इनसाइड द रेटिना, रेटिना के अंदर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर
सेल मौजूद होते हैं, और रेटिना के अंदर जो सेल हैं फोटो रिसेप्टर, इनको रॉड्स एंड कॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये रेटिना के जो रॉड एंड कॉन है आर स्टिम्युलेटेड बाय लाइट रेज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। तो ये रॉड और कॉन सेल जो हैं इनके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, लाइट रे पड़ती हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल या तो जो केमिकल जो सिग्नल हैं, नर्व इम्पल्सिस हैं, वो जनरेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेटिना को देखने के लिए एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऑप्थल्मोस्कोप कहते हैं, और ये ऑप्थल्मोस्कोप है उससे हम रेटिना जो है आँख की वो देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं, थ्रू दी प्यूपिल टू दी बैक ऑफ दी आई। तो इस जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्थल्मोस्कोप, इससे आप जो है प्यूपिल में से क्या करेंगे, पीछे की ओर रेटिना जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो एरोज हैं, तो ये एरोज में आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ये पहले ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में लाइट जा रही है और ये डायरेक्शन में क्या है, नर्व इम्पल्स जाएगा, है ना। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हिस्टोलॉजी का जो स्लाइड है वो भी आप देखिए, इसमें भी आपको सारी जो अरेंजमेंट है सेल की वो आपको पता चल जाएगी, स्क्लेरा, कोरोइड, पिगमेंटेड लेयर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, रॉड एंड कॉन, आउटर सिनेप्टिक लेयर, बाइपोलर सेल लेयर, इनर सिनेप्टिक लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, ऑप्टिक नर्व, एक्सॉन। ये ऑप्टिक डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, ठीक है, स्क्लेरा दिखा है, कोरोइड दिखा है, ऑप्टिक नर्व आपको दिखाई है, और यहाँ पे भी आप देखें रॉड एंड कॉर्न सेल आपको दिखाए हैं, फोटो रिसेप्टर सेल। अभी देखिए ये जो है मैक्यूला ल्यूटिया, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इतना जो पोर्शन है वो मैक्यूला ल्यूटिया। ये मैक्यूला ल्यूटिया जो है वो क्या है, तो देखिए द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेटिना, रेटिना का एकदम बीच वाला पोर्शन है, पॉइंट है, तो रेटिना का केंद्र समझ लीजिए आप, और एज सीन थ्रू एन ऑप्थल्मोस्कोप। तो ये मैकुला ल्यूटिया जो है इसको ऑप्थल्मोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। ये मैकुला ल्यूटिया क्या है, इज अ पैच ऑफ सेल कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया, है ना। इसके जो सेल हैं जो इकट्ठा होके क्या बोलते हैं इसको, ये पैच ऑफ सेल को मैकुला ल्यूटिया बोलते हैं, जो रेटिना के सेंटर पॉइंट है, और ऑप्थल्मोस्कोप से इसको देखा जा सकता है मैकुला ल्यूटिया को। आप देखेंगे पूरा फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ठीक है, लाइट का रे किस तरह से आ रहा है, और ये सेंटर में मैकुला ल्यूटिया आप देख रहे हैं। अच्छा, अब जो मैकुला ल्यूटिया है, देखिए इनसाइड दी मैकुला ल्यूटिया इज अ डिप्रेशन, ये देख रहे हैं आप, ये डिप्रेशन एक छोटा सा गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये छोटा सा जो गड्ढा है, इसको फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है, ये जो है फोविया सेंट्रालिस, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स आर कंसंट्रेटेड हियर। फोविया सेंट्रालिस जो है इसमें क्या है, बहुत सारे जो कॉर्न सेल हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे कॉर्न सेल।
मेकिंग दिस द एरिया दैट प्रोड्यूस द शार्पेस्ट विजन. ठीक है, तो जो हमारी दृष्टि है वो दृष्टि के लिए, हमारे विजन के लिए ये जो है, ये हमारी जो साफ विजन जो है, एकदम हमारी जो पैनी जो नज़र है, पैनी नज़र के लिए ये फोविया सेंट्रलिस जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेल हैं वो मौजूद हैं. अच्छा, अब क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस जो है इसमें रॉड्स आर एब्सेंट फ्रॉम द फोविया सेंट्रलिस. फोविया सेंट्रलिस जो है इसमें से रॉड जो हैं वो एब्सेंट हैं. तो रॉड कहाँ पे हैं, दे आर मोस्टली क्लस्टर अलोंग द आउटसाइड एजेस ऑफ द रेटिना. ये बाहर वाला जो पोर्शन है, आसपास का जो पोर्शन है, इसमें है ना, रेटिना के आसपास जो हिस्सा है वहाँ पे जो रॉड है वहाँ वो सेल वहाँ पे होते हैं. लेकिन फोविया सेंट्रलिस में तो जो कॉर्न सेल है वही होते हैं और जो रॉड है वो तो आसपास के हिस्से में होते हैं. ठीक है, चलिए. अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, मीडियल टू मैक्यूलर ल्यूटिया, मैक्यूलर ल्यूटिया के बीच में ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है. यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्टिक डिस्क, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑप्टिक डिस्क. क्या होता है ये ऑप्टिक डिस्क, क्या होता है यहाँ से, तो देखिए, नर्व फाइबर्स लीव द रेटिना एट द पॉइंट. ये जो रेटिना है इसमें से जो नर्व फाइबर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीले रंग में आपको बताए हैं, तो नर्व फाइबर जो है यहीं से वो एग्जिट कर रहे हैं, यहीं से लीव कर रहे हैं, कन्वर्जिंग टू बिकम ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, ये जो है ये ऑप्टिक नर्व बनी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉट वेयर ब्लड वेसल एंटर एंड लीव दी आई. ठीक है, ऑप्टिक डिस्क जो ब्लाइंड स्पॉट है वहीं से क्या हो रहा है, तो यही एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, ठीक है, तो वो एंटर एंड लीव दी आई, है ना. जैसे कि आर्टरी है तो भी वो ब्लड सप्लाई करेगी तो अंदर जा रही है, वेन जो है वो आँख में से बाहर निकल रही है, तो ये अंदर बाहर जो हो रहा है जो ब्लड वेसल का, वो कहाँ से हो रहा है, जो ऑप्टिक डिस्क है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, वहीं से, तो ब्लाइंड स्पॉट है वहीं से ब्लड वेसल का भी अंदर बाहर, और फिर जो नर्व है ऑप्टिक नर्व वो भी यहीं से लीव कर रही है, नर्व फाइबर यहीं से बाहर निकल रहे हैं. चलिए, अब देखिए, अब ये जो पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह से पूरा. ठीक है, आईबॉल ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इसमें आईबॉल में हम अगर पीछे की ओर जब जिसको देखते हैं ये पार्ट जो है इसमें, तो देखिए यहाँ पे तो एग्जिटिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आईबॉल इज द ऑप्टिक नर्व. ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, आईबॉल के पीछे से ऑप्टिक नर्व जो है वो एग्जिट कर रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये क्रेनियल नर्व 2 है ऑप्टिक नर्व, और ये क्या करती है, ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट सिग्नल टू द ब्रेन. ये क्या करती है, हमारा जो ब्रेन है उसको नर्व इम्पल्स जो है, हमारा जो विज़न है इसके रिगार्डिंग जो हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग जो नर्व इम्पल्स है ये हमारे ब्रेन के सेंटर में भेज देती है ऑप्टिक नर्व. दूसरा जो फिगर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है नर्व्स ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, ये जो है इसमें आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये नाम लिखा है, देखिए ऑप्टिक नर्व. ठीक है, तो ऑर्बिट में जितने भी नर्व हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे भी दूसरे जो नर्व हैं उनके भी नाम लिखे हैं,
लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑप्टिक नर्व जो है वो दिखा रहा हूँ, तो वो देखिए आप, ये ऑप्टिक नर्व जो नाम लिखा है और जो ब्लैक कलर का जो एरो है उसको आप फॉलो करिए, कहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व है, तो ये देखिए ऑप्टिक नर्व। दूसरे एंगल से भी देखते हैं इसको, सारी जो नाव हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिक नाव, ठीक है, ऑप्टिक नाव 2। यहाँ पे सुपीरियर एंटीरियर व्यू ऑफ ऑर्बिट, ये देखिए नाम लिखा है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे भी ठीक है ऑप्टिक नर्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं जो चैम्बर्स एंड फ्लूइड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि पॉइंट नंबर 19 में चैम्बर्स एंड फ्लूइड, आँख की जो चैम्बर है वो, ठीक है। अब देखिए द आई इज़ एक्चुअली अ फ्लूइड फिल्ड स्पीयर, ठीक है। हमारी जो आँख है वो हकीकत में अगर देखना सही मायने पे अगर हम देखें तो वो क्या है, एक लिक्विड से भरा, फ्लूइड से भरा एक गोले की तरह होती है, ठीक है, स्पीयर यानी बॉल जैसी होती है। डिवाइड इनटू टू मेन कैविटीज़, इसके अंदर दो प्रमुख जो कैविटीज़ हैं वो, पूरी आई को हम दो कैविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा देखिए अब द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया इज़ द एंटीरियर कैविटी, तो ये हो गया कॉर्निया, ये है लेंस, इसके बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, वो हो गया एंटीरियर कैविटी, ठीक है। अच्छा और ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर, ये आप देखिए ध्यान से आपको यहाँ पे बताए हैं एंटीरियर कैविटी, ये वाली एंटीरियर कैविटी। और एंटीरियर कैविटी जो है इसमें आप देखेंगे तो इसका अगर हम डिवीज़न करें तो ये देखिए, ये जो है ये एंटीरियर चैम्बर और ये वाली जो है, ये चैम्बर जो है वो पीछे वाली पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो एंटीरियर कैविटी जो है इसमें हमने एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, और ये एंटीरियर चैम्बर जो है वो कहाँ पे होती है, एंटीरियर टू द आयरिस, है ना। ये देखिए आप, ये आयरिस आपको दिखाई है और उसके आगे क्या होती है, आयरिस के आगे एंटीरियर चैम्बर होती है, ठीक है। और फिर जो पोस्टीरियर चैम्बर जो है, पोस्टीरियर टू द आयरिस, आयरिस जो है इसके पीछे, देखिए पोस्टीरियर चैम्बर जो है, ये आयरिस जो है, आयरिस के पीछे क्या होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होती है, ठीक है। अब देखिए अ क्लियर वाटर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर फिल्स द एंटीरियर कैविटी, जो एंटीरियर कैविटी जो है इसमें क्या भरा होता है, एकदम क्लियर पानी जैसा फ्लूइड भरा होता है और इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर कैविटी में पानी जैसा क्लियर फ्लूइड जो है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ।